हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ रॉय टेक एंड फोन के और एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम मेरा एक दोस्त है जिसका भाई का नाम है कमल, उसका क्या हुआ, फ़ोन फट गया है। तो फ़ोन क्यों फट गया या फिर फ़ोन का बैटरी जो है वो क्यों फट गया, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि फ़ोन फटने के बाद या फिर फ़ोन का बैटरी जो है वो एक्सपोज होने के बाद ज़्यादातर जो कसूर होता है वो फ़ोन के कंपनी में ही जाता है। मतलब फ़ोन का कंपनी का ही पूरा कसूर है कि फ़ोन फट गया या फिर क्यों फट गया। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि फ़ोन फटने के पीछे कंपनी का कोई रीज़न नहीं होता है दोस्तों, ज़्यादातर रीज़न होता है हमारा। तो वो क्या क्या है अभी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों पहला रीज़न जो हम में से 99% लोग करते हैं, क्या रीज़न दोस्तों, पहला रीज़न है कि फ़ोन हम चार्ज में लगा के क्या करते हैं, गेमिंग करते रहते हैं। मतलब फ़ोन चार्ज होते होते हम गेम खेलते हैं, फ्री फायर, पबजी, ऐसे जो जो ऑनलाइन गेम्स है अभी। ये गेम्स क्या होता है, ज़्यादा रैम को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा रिसोर्स को कंज्यूम करता है और ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है। तो दोस्तों एक तरफ तो आप चार्ज में लगा रखे हो, आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है, और दूसरी तरफ उसके साथ साथ गेम भी खेल रहे हो। तो दोस्तों बैटरी है कैसे सहेगा, मतलब एक तरफ से आप उसे चार्ज में डाल रहे हो, दूसरी तरफ से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए क्या होता है बैटरी का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। एक तरफ से आ रहा है चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है। इसलिए फ़ोन देखेंगे अब कभी चार्ज पे लगा कर गेम खेलते रहो लगातार तो फ़ोन हीट हो जाता है। दोस्तों ऐसे हीट होते होते फ़ोन का भी एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि बैटरी का भी एक लिमिटेशन होता है, इतने डिग्री से ऊपर अगर कभी हो गया तो बैटरी का होगा एक्सपोज हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा पहला रीज़न कि फ़ोन हमारा क्यों फट जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है दूसरी गलती की तरफ। दोस्तों दूसरा गलती जो होता है वो भी हम ही करते हैं दोस्तों, वो कैसे दोस्तों, हम मार्केट से कोई भी एक सस्ता सा चार्जर लेके उससे हमारे फ़ोन को जो है चार्ज करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा आपका कंपनी का ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए आपके फ़ोन को, क्योंकि दोस्तों मार्केट से जो भी एक सस्ता सा चार्जर रहते हो, पहली बात तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहता, और दूसरी बात तो दोस्तों उसके साथ आपका फ़ोन का बैटरी का जो एम्पायर होता है वो भी मैच नहीं कर पाता। दोस्तों इसलिए क्या होता है मार्केट से कोई भी चार्जर ला के आप फ़ोन को चार्ज करते हो, या फिर सिर्फ चार्जर नहीं दोस्तों यूएसबी केबल भी इसमें आता है। तो कोई भी चार्जर या फिर यूएसबी केबल मार्केट से कोई भी सस्ता सा लेके आपका फोन को चार्ज करते हो, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फोन स्लो चार्ज होता है या फिर फोन ओवरहीटेड हो जाता है चार्ज के टाइम। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे दोस्तों हमारे बैटरी का जो वो तो नुकसान भी होता है, और उसके साथ साथ आपका फोन जो है वो भी बम की तरह फट सकता है। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। दोस्तों अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, हम फ़ोन को जब भी गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर फोन में कोई भी हाई लेवल का काम करने के लिए यूज़ करते हैं, तब हम फ़ोन में जो हम बैक कवर लगाते हैं वो हमेशा हमें बैक कवर को हटा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फ़ोन में जो है फ़ोन कंप्यूटर का नहीं है, मतलब इसमें कोई कूलिंग सिस्टम वैसे तो नहीं रहता, अभी नए नए फ़ोन में जो है लिक्विड कूलिंग का सिस्टम आया है, लेकिन दोस्तों उससे भी काम नहीं करता। क्योंकि दोस्तों फ़ोन में जो है, फ़ोन आपका कह लीजिए कूलिंग सिस्टम नहीं है, तो उसमें बैक में से जो है वो उसका जो हीटिंग है वो निकलता है। बैक कवर लगने के कारण क्या होता है, वो हीटिंग जो है बैटरी से पूरी तरीके से नहीं निकल पाता। इसलिए क्या होता है दोस्तों, एक लगातार आप गेम खेलते जाओगे फ़ोन में बैक कवर लगाकर, तो फ़ोन नॉर्मल से ज़्यादा हीट होने लगेगा। तो दोस्तों ये ज़्यादा हीट होते होते फ़ोन कभी भी आपका जो बैटरी है वो एक्सप्लोर हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों, कि आपका फ़ोन जो है वो हीटिंग एरिया से बहुत दूर रखिए, हीटिंग एरिया में मत रखिए। क्योंकि दोस्तों आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो यूज़ के साथ साथ हीट होना शुरू करता है, लेकिन आप हीटिंग एरिया में रखोगे तो फ़ोन का बैटरी क्या होगा, और भी ज़्यादा हीट होगा। तो दोस्तों इसलिए आपका फ़ोन को कभी भी हीटिंग एरिया में नहीं रखिए, जैसे कि आपका जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा हो वहाँ पर बिल्कुल मत रखिए, जहाँ पर कोई आप कह लीजिए फायर हो, फायर के आसपास फ़ोन बिल्कुल मत रखिए। इससे क्या होगा, फ़ोन का जो बैटरी टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू करेगा, और बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक पहुँचने के बाद बैटरी क्या होगा, एक्सप्लोर हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए कभी भी आपका फ़ोन जो डायरेक्ट सनलाइट हो, यहाँ पर डायरेक्ट हीटिंग एरिया हो, वहाँ पर बिल्कुल मत रखिए आपके फ़ोन को सेफ रखने के लिए। दोस्तों अगला गलती जो है दोस्तों वो तो हम खुद ही करते हैं। कैसे, कभी कभी क्या करते हैं, हमारे फ़ोन जो है वो हम पैंट के जेब में रख देते हैं और कहीं पर भी वैसे ही बैठ जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जब बैठ जाते हो कहीं पर आपका फ़ोन आपके जेब में रख के, तो क्या होता है फ़ोन थोड़ा सा भी बैंड हो सकता है। अगर बैंड होगा फ़ोन थोड़ा सा, फ़ोन का जो अंदर जो मदरबोर्ड होता है या फिर कह लीजिए आपका जो सर्किट बोर्ड होता है वो क्या होता है, आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण आपका फ़ोन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था दोस्तों कि बेंगलोर में एक जो महिला थी उनका फ़ोन जो है ब्लास्ट हो गया। दोस्तों कैसे, दोस्तों इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या दोस्तों, वो महिला जो थी, वो बेंगलोर की जो महिला थी, वो क्या कर रही थी कि फ़ोन को अपने पर्स में लेके सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकली थी। तब वो क्या कर रही थी, रनिंग कर रही थी वो। इसकी वजह से क्या हुआ, फ़ोन भी जो होता है वो शेक हो रहा था उनके बैग में।
फ़ोन शेक होने के कारण फ़ोन में जो बैटरी होता है, बैटरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराने लगे थे। टकराने की वजह से जो बैटरी के मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ज़्यादा हीट होने लगा था, और हीट होने की वजह से उनके पार्ट्स में ही उनका फ़ोन जो है वो फट गया था। इसलिए दोस्तों ये सब से सावधान रहिए दोस्तों, आपके फ़ोन को आप सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, फ़ोन को कभी भी चार्ज में लगाकर मत यूज़ कीजिए। कभी भी आप देख लीजिए कि थर्ड पार्टी का कोई भी आपका जो चार्जर है या फिर आप कह लीजिए आपका यूएसबी केबल है वो कभी यूज़ मत कीजिए। फ़ोन को कभी भी शेक मत कीजिए, कहीं भी फेंक मत दीजिए फ़ोन को। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि सोफे पर फ़ोन फेंक दिया, कभी बेड पर फ़ोन फेंक दिया, ऐसे मत कीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, फ़ोन जो शेक होता है उसकी वजह से फ़ोन का जो बैटरी का मॉलिक्यूल्स होता है वो आपस में ज़्यादा तेज़ी से टकराने लगता है। इसकी वजह से फोन का जो कह लीजिए बैटरी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होने लगता है। इसी कारण से दोस्तों हमारा फोन जो है फट जाता है। इसमें कंपनी का ज्यादातर टाइम कोई भी गलती नहीं होता है दोस्तों। अब लास्ट में आते हैं हमारे कमल भाई की तरफ, जिससे हमारा टॉपिक शुरू हुआ था। तो कमल भाई, क्या फ़ोन किस वजह से फटा दोस्तों? कमल भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो यूज़ कर रहे थे थर्ड पार्टी चार्जर, उसके साथ साथ थर्ड पार्टी का आप कह लीजिए आपका यूएसबी केबल। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि ज़्यादातर टाइम देखा जाए तो इस वजह से आपका फ़ोन फट सकता है। कमल भाई का जो पुराना चार्जर था वो ख़राब हो गया था, इसलिए वो नया चार्जर मार्केट से एक सस्ता सा चार्जर उठा लिया था, क्योंकि कमल भाई के पास उतना बजट नहीं था कि वो एक नया कंपनी का चार्जर अफोर्ड कर पाए। तो दोस्तों इसी वजह से कमल भाई का फ़ोन आशा किया जा सकता है कि इसी वजह से फटा होगा, क्योंकि दोस्तों उसका जो चार्जर था वो भी थर्ड पार्टी का था, मतलब दूसरी किसी कंपनी का था, और जो आप उनको उसका जो आप कह लीजिए यूएसबी केबल था वो भी एक थर्ड पार्टी का था, इसलिए दोस्तों उसका फ़ोन फटा होगा। तो कमल भाई से एक ही बात बताना चाहूँगा, कमल भाई इधर देखिए, कमल भाई, हाँ कमल भाई, कमल बोलो जुबा केसरी। A few moments later.